गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के जफरपुरा मोहल्ले में पत्रकार रियाज अहमद के मकान निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न विवाद और हमले ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। नौशाद, आलमगीर, समीर और शहाबुद्दीन द्वारा पत्रकार पर हमला किया गया, जिससे उन्हें सिर और हाथ में चोटें आईं। घटना के बाद रियाज अहमद ने पुलिस में तहरीर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने निर्माण कार्य में बाधा डालने और अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी। तहरीर के बाद मामले ने कानूनी रूप लिया, लेकिन पत्रकार रियाज अहमद ने मामले को और अधिक गंभीर होने से रोकने के लिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। उनकी सूझबूझ और धैर्य ने इस विवाद को शांति से सुलझाने में मदद की। जब स्थानीय चेयरमैन और सभासदों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने का प्रयास किया तो रियाज अहमद ने समाज की शांति और भाईचारे को ध्यान में रखते हुए समझौते का मार्ग अपनाया। चेयरमैन और सभासदों ने हमलावरों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में अगर पत्रकार रियाज अहमद के साथ कोई घटना होती है या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आलमगीर वारसी समेत चारों हमलावरों की होगी। इसके बाद हमलावरों ने अपनी गलती मानी और समाज के सामने माफी मांगी। पत्रकार रियाज अहमद ने शांति और सद्भावना को प्राथमिकता देते हुए सुलहनामा कर लिया, जिससे मामला बिना किसी कानूनी कार्रवाई के सुलझ गया। इस पूरे घटनाक्रम में रियाज अहमद की सूझबूझ और समझदारी की चारों ओर प्रशंसा हो रही है।